नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार लेकर के आपके लिए आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा भाग 3। ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद, अगर पूछता है एग्ज़ाम में तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, तथा इनको हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से गठन किया गया है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है और अमेरिका के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है, तथा इनको भारतीय संविधान का मैग्ना काटा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना काटा कहा जाता है, तो भाग 3 को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, इसको मूल अधिकार भी कहते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ से लिया गया है, जबकि पूर्व सोवियत संघ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ब्रिटेन से संसद संबंधित समस्त प्रावधान लिए गए हैं, संसद संबंधी जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं, इसको ध्यान रखेंगे, जबकि कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। भारतीय संविधान में कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है, इसका स्क्रीनशॉट साथ में आप लेते हुए चलेंगे। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, 12 से 35 तक में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी, तो कांग्रेस द्वारा कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी, जबकि 1929 में कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस द्वारा कब पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। ध्यान रखेंगे, जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान के भाग 3 में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तथा इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में भाग 3 में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो इस प्रकार है। पहला मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान का, वो है समानता या समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। पाँचवा अधिकार है अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 और 30 में दिया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक में
स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, राइट टू फ्रीडम का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 20 में किया गया है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके दोषित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। क्या क्या उसको प्रोडक्शन मिलेगा? तो पहला है, कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया गया हो। तो ध्यान रखेंगे, किसी प्रवृत्त विधि का अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उसको सजा मिलेगी, अन्यथा उसको सजा नहीं मिलेगी। तो पहला संरक्षण यही है। दूसरा है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक, ध्यान रखेंगे डबल जियोपार्डी, एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस को ध्यान रखेंगे, किसी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, साक्षी होने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही अहम जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, ये संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। तो ध्यान रखेंगे, जो विधि जिस समय लागू होगी उसी के तहत सजा दी जाएगी, एक बार से अधिक उसको दंड, एक अपराध के लिए एक बार से अधिक उसको दंडित नहीं किया जाएगा और उसको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता निहित है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता निहित है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, वाक और अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नंबर 2, शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नंबर 3, संघ स्थापित करने की स्वतंत्रता। नंबर 4, भारत में किधर भी कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नंबर 5, भारत में कहीं पर भी आवास करने की स्वतंत्रता। नंबर 6, भारत में कोई भी व्यापार और उपजीविका करने की स्वतंत्रता। इसको ध्यान रखेंगे, तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता हैं। नंबर 1, वाक अभिव्यक्ति। नंबर 2, शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नंबर 3, संघ स्थापित करने की स्वतंत्रता। नंबर 4, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नंबर 5, आवास, भारत में किधर भी आवास करने की स्वतंत्रता। नंबर 6, भारत में कोई व्यापार और उपजीविका करने की स्वतंत्रता। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, वाक और अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) या का भी कह सकते हैं इसको, में दो स्वतंत्र अंतर्निहित है। एक है जानने का अधिकार, यहीं से ही सूचना के अधिकार की उत्पत्ति हुई है, जानने का अधिकार, राइट टू नो। और दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अगर क्वेश्चन आता है कि जानने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, राइट टू नो, फ्रीडम टू प्रेस, तो ध्यान रखेंगे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए हैं, अनुच्छेद 19(1)(a) में। इसको ध्यान रखेंगे, तो वर्तमान अनुच्छेद 19 में कुल 6 तरह की स्वतंत्रता हैं जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा कि संघ स्थापित करने की स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, जीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन विदेश जाने की स्वतंत्रता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, किसी भी भारतीय नागरिक को बिना भारतीय सरकार की अनुमति के विदेश जाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निवारक निरोध के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के बारे में प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है? ध्यान रखेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 22 में दिया गया है, जो इस प्रकार है। कुछ विशेष प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। नंबर 1, गिरफ्तार व्यक्ति, गिरफ्तारी के कारणों को ठीक शीघ्र बताए जाने का अधिकार। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा या जिस भी व्यक्ति को निरोध किया जाएगा उसको उसके गिरफ्तारी के कारण, उसको उसके गिरफ्तारी के कारण जो संरक्षण है, गिरफ्तारी और निरोध से, ध्यान रखेंगे, जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, उसमें उसको गिरफ्तारी के कारण का उसको बताया जाएगा,
उसको अपनी पसंद के वकील से वो अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकता है और अपने बचाव का उसको अधिकार प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाना होगा। इसको ध्यान रखेंगे, और यदि उसको 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध रखा जाता है तो स्वतः ही वो स्वतंत्र मान लिया जाएगा। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में कुछ ये चार प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं, जिनमें कि गिरफ्तारी के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसके गिरफ्तारी के कारण उसको बताए जाएंगे। नंबर 2, उसको अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार प्राप्त होगा तथा वह विधिक परामर्श ले सकता है अपने बचाव के लिए। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगर मजिस्ट्रेट 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे स्वतंत्र मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, यह संरक्षण कुछ विशेष दशाओं में ही है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर ऐसा कोई भी मामला आता है तो उसमें यह संरक्षण अपराधी को प्राप्त नहीं होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद के संक्षेप में किया गया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संस्कृति और शिक्षा को संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 29 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब समाप्त किया गया, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा जनता पार्टी की सरकार, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उस समय किसकी सरकार थी, जो जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं और सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री, से बुजुर्ग प्रधानमंत्री अगर पूछेगा तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं। और संपत्ति अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी सरकार के द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 काम है एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार या एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, इसको ध्यान रखेंगे। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ओके, इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकार की कुल संख्या बचती है 6, इसको ध्यान रखिए, पहले थे 7, अब हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार 6। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो ऐसे समय में राष्ट्रीय आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होगा, अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। आपका राइट आंसर होगा बी। साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे सब बच्चे तथा इसके नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के जनक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के जनक, इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है तथा संपूर्ण मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा एवं संविधान का हृदय बोला है, इसको ध्यान रखेंगे। आत्मा और हृदय, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान का सर्वाधिक आलोचित भाग एवं संविधान का सर्वाधिक आलोचित भाग, ध्यान रखेंगे संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, इसीलिए हमारे मौलिक अधिकारों को संविधान का सर्वाधिक आलोचित भाग भी कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का सर्वाधिक आलोचित भाग और संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा मौलिक अधिकारों को भाग 3 में दिए गए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संरक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संरक्षण का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 में
और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन प्रदान करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और शीर्ष न्यायालय तथा किस अनुच्छेद के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेंगे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय द्वारा कुल कितने प्रकार की रिट याचिका दायर की जाती है, तो कुल 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है, जो इस प्रकार हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसको स्वतंत्र मान लिया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, हैबियस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेक्षण, चौथी है प्रतिषेध, पांचवी है अधिकार प्रक्षत। तो ध्यान रखेंगे, जिस समय मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष करो। ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है किस रिट का शाब्दिक अर्थ है बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी को प्रत्यक्ष करो, तो हैबियस कॉर्पस, इसको ध्यान रखेंगे। हैबियस कॉर्पस इंग्लिश के ये लैटिन शब्द है, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं अक्सर। हैबियस कॉर्पस का मतलब है बंदी को प्रत्यक्ष करो। दूसरी है परमादेश, परम आदेश या हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने पद पर रह करके ठीक से कार्य नहीं करता है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है या अपने दायरे से बाहर जाकर कार्य करता है, तो न्यायालय द्वारा उसको उसके दायरे में रहकर काम करने के लिए आदेश दिया जाता है, इसी को बोलते हैं परम आदेश, मैंडेमस। उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, सरसिरोरी और प्रोहिबिशन ये दोनों न्यायिक रिटें हैं, जो न्यायालय द्वारा ऊपर के न्यायालय द्वारा अपने निम्न न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सी न्यायिक रिट है, तो उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध न्यायिक रिट है। अधिकार प्रक्षा रिट का शाब्दिक अर्थ होता है क्यों वारंट का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। अगर कोई सरकारी अधिकारी बिना किसी न्याय संगत आधार पर अपने पद पर बना हुआ है जिस पर बना रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है, तो न्यायालय द्वारा उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हो, अगर कोई युक्तियुक्त कारण है तो बने रहिए, नहीं तो उस पद को अपन छोड़ दीजिए, इसी बोलते अधिकार पक्षा। अधिकार पक्षा का शाब्दिक अर्थ किस अधिकार से, ध्यान रखेंगे इन रिटों का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखिए, हमें पूछा जाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है बंदी को प्रत्यक्ष करो, परमादेश का शाब्दिक अर्थ है परम आदेश, हम आदेश देते हैं, और अधिकार प्रक्षा का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। बाकी उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध दोनों ही न्यायिक रिटें हैं, न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रहरी भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन था कि आ सकता है कि किस रिट को, किस याचिका को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रहरी कहा जाता है, तो हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, तो मैंडेमस, मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं परमादेश। परमादेश यानी कि परम आदेश, परम आदेश अर्थात हम आदेश देते हैं। यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपने पद पर दिए गए कार्यों को नहीं करता है, तो न्यायालय द्वारा ये न्यायालय द्वारा से पूछा जाता है कि आप दिए गए कार्य को क्यों नहीं कर रहे हो, हम आदेश देते हैं कि आप वह कार्य करें। मैंडेमस परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, इसको इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, हम आदेश देते हैं। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है बंदी को प्रत्यक्ष करो। क्यों वारंटो का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। निम्नलिखित में कौन सी एक न्यायिक याचिका है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण अधिकार प्रक्षा। तो उत्प्रेक्षण यानी कि सरसिरोरी और प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, ये दोनों ही एक न्यायिक रिट है, ध्यान रखेंगे। उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध दोनों ही न्यायिक रिट है, जो न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। चले तो कुछ तथ्य इस पर ध्यान देंगे। संविधान के भाग 3 को में दिए गए मौलिक अधिकारों को नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को
संविधान का मैग्ना कार्टा यानी कि नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है, भाग तीन को उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। भाग तीन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा और हृदय बोला है, यानी कि संविधान का आत्मा और हृदय बोला है, संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग बोला है, संविधान का सर्वाधिक आलोचित भाग बोला है, ये बोला है डॉक्टर अम्बेडकर ने, संविधान के जन डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।